हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेंट स्टडी सेंटर। मैं रोहित आपके अपने परिवार करेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर डेली सुबह में करेंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आज है 13 मई 2020 और 13 मई 2020 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं मैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा को सफलतापूर्वक विकसित किया है। तो अभी NIV ने भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा को सफलतापूर्वक विकसित किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये विकसित NIV ने किया है। तो NIV की फुल फॉर्म क्या होती है? NIV की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी होती है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। और इस टेस्ट किट से मानव शरीर में मौजूद कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज़ का पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन बना है? तो अभी भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बेंगलुरु हवाई अड्डा बना है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। बेंगलुरु में है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये, और ये भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। हाल ही में किस कंपनी ने अनिल भंसाली को भारत में अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी गूगल क्लाउस ने अनिल भंसाली को भारत में अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। अब गूगल के बारे में बात करते हैं थोड़ा। गूगल की स्थापना सितंबर 1998 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया और USA में है और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO सुंदर पिचाई हैं। इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में उड़ीसा विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा किसने लॉन्च की है? तो अभी रमेश पोखरियाल निशंक ने उड़ीसा हेल्पलाइन सेवा भरोसा लॉन्च किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। और इसने रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। तो रमेश पोखरियाल निशंक प्रेजेंट टाइम पे हमारे MHRD मिनिस्टर हैं, रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो अभी 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं नर्स दिवस, तो इसे मनाता कौन है? इसे मनाता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज मनाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज की स्थापना 1899 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। और इस बार के नर्स दिवस की थीम क्या थी? इस बार के नर्स दिवस की थीम थी नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। क्या थी? नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। और WHO ने 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ घोषित किया है। क्या किया है? WHO ने 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ घोषित किया है। अब ये घोषणा WHO ने किया है। तो WHO का फुल फॉर्म क्या होती है? WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसके प्रेजेंट टाइम पे हेड है टेड्रोस अधानो केवेरियस। क्या है? टेड्रोस अधानो केवेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो अभी फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला सानिया मिर्जा बनी है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होता है। सानिया मिर्जा, ये हैं सानिया मिर्जा और इन्होंने ही अभी फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हाल ही में हरि वासुदेव का निधन हुआ, वे कौन थे? वह एक इतिहासकार थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हरि वासुदेव। हाल ही में किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का नाम रखा है? तो अभी इसराइल ने रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का नाम रखा है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये इसराइल ने रखा है, तो मैप में देखते हैं इसराइल, ये है इसराइल और इसी ने ही रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर एक सड़क का नाम रखा है। तो
तो इसराइल, तो इसराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। और इसराइल की करेंसी क्या है? इसराइली सेकेल। और इसराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट रूवेन रिवलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया, तो मैप में देखते हैं मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान है। और मध्य प्रदेश का प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर लालजी टंडन है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, जैसे कि संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, PM मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान का समर्थन करने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया, जो GDP का लगभग 10% है? अभी PM मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज की ऐलान किए, जो भारत की GDP का लगभग 10% है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मनोज आहूजा को किसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी मनोज आहूजा को CBSE के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं CBSE, तो CBSE की फुल फॉर्म क्या होती है? CBSE की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एडुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में किस मंत्रालय ने देश में छोटे इकाइयों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित कंट्रोल रूम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय ने छोटे इकाइयों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित कंट्रोल रूम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए।